ओके भैया, हाउस गोइंग? हाउस गोइंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे। सिक्किम का जहाँ से शुरुआत हुआ था, ओके, वो जो जगह है उसको देखने के लिए जाएंगे। अगर वर्क फ्रॉम होम है सो नथिंग इज बेटर देन दिस। से हाय गाइस टू मिस्टर वंडरफुल। ये शिव जी ऐसे दिखे थे जब उन थ्री मंक्स ने देखा था। अब आप ऊपर देखोगे तो आपको ये त्रिशूल दिखेगा। ये तिब्बत हिस्ट्री और भूटान के हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रैवलर माने जाते हैं। स्वाटोक लेक, द सोल लेक ऑफ सिक्किम। इट्स इनक्रेडिबल गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं ट्रैवल रिपोर्टर। इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज का ये 20वां एपिसोड है और आई डोंट नो और कितने एपिसोड होंगे, और यहाँ तक इतना अमेजिंग चल रहा है इनक्रेडिबल इंडिया का ट्रिप। और अभी मैं हूँ वेस्ट सिक्किम में। जैसे आप मेरे पिछले एपिसोड में देख रहे हो, युक्सम में हूँ मैं अभी, और युक्सम में वेलकम होम स्टे में ये मेरा दूसरा दिन है। और आज इस एपिसोड में मैं, भास्कर और रॉक्यू, हम लोग जा रहे हैं एक डे हाइक पे। बहुत इंटरेस्टिंग हाइक है ये। हाइक ऑर्गेनाइज वो करते हैं भास्कर भाई, और उनकी एक कंपनी भी है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम लोग चलते हैं आगे और मिलते हैं भास्कर से, और भास्कर हमें आज के दिन के बारे में एक छोटा सा लाइक ओवरव्यू बताएगा। हेलो भास्कर। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू भास्कर। लाइक क्या कवर कर रहे हैं आज हम लोग युक्सम में? सो बेसिकली ये एक सर्किट हाइक है और हमारे होम स्टे से ही स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो इनटू द वाइल्ड। पहले हम एक जंगल हाइक पे जा रहे हैं। ठीक है, जंगल हाइक फुल हमारे लिए, आपको भी वैसे ही फील होगा आई नो, विद उसमें फुल नार्निया वाइब्स है। फुल नार्निया, बिग बिग स्टोन्स, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि कभी अभी जस्ट तुरंत अभी कहीं से अस्लान आ जाएगा और रोहर करेगा। इट्स लाइक दैट। आल्सो वहां पे एक व्यू पॉइंट भी है। okay. जो इस पहाड़ से, यहाँ जो सामने पहाड़ है उसके उस तरफ वाले पहाड़ों का पूरा एक व्यू मिलता है। ओके, हायर हिमालयस का, नॉट द स्नो पीक्स बट द हायर हिमालय, जहाँ पे स्नो नहीं गिरता बट है वेजिटेशन। okay. वो व्यू पॉइंट के बाद हम चलेंगे एक और व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे है एक बहुत बड़ा सा पत्थर। वहाँ बैठ के यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम। वहां से सनसेट भी अच्छा दिखता है अगर स्काई क्लियर होता है तो। wow. वहां से फिर हम जाएंगे युक्सम का, जहाँ से शुरुआत, सिक्किम का जहाँ से शुरुआत हुआ था। okay. वो जो जगह है उसको देखने के लिए जाएंगे। Lovely. वहाँ पे जो भी स्टोरी है वो आप देखते रहो, आपको यू विल गेट टू नो आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद हम चलेंगे एक सोल लेक पे। सो बेसिकली एक पूरा सर्किट है, जंगल हाइक करते हुए व्यू पॉइंट, फिर वो जहाँ से सिक्किम का शुरुआत हुआ था वो लेक, एंड देन विल कम बैक ऑल द वे फ्रॉम द मेन रोड बैक टू आवर होम स्टे। लवली। थैंक यू सो मच भास्कर फॉर दिस। सो आप सब लोग बने रहिए, कहीं मत जाना। आपके सीट पे बैठ जाओ, आपके आंखें लगा लो, पॉपकॉर्न साथ में ले लो, एंड लेट्स एंजॉय युक्सम गाइज। ये है हमारे रॉक्यू भैया। रॉक्यू भैया, हाउस गोइंग? हाउस गोइंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे। वी हैव एक्सपीरियंस द सन बट नाउ इट्स क्लाउडी। ओके, लेट्स सी व्हाट विल गेट। ऑलराइट ऑलराइट। और यहाँ पे ही इज आल्सो अ गुड शेफ यार। वो बहुत अच्छा होटल मैनेजमेंट स्टडीज किया है। yes. And he makes a really good food यार। वेलकम होम स्टे में जो मुझे खाना मिल रहा है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आई लाइक Lovely. It's all because of him. Thank you. Bye. Thank you. Let's go, guys. और ये पूरा, जैसे पिछले एपिसोड में बोला था मैंने, वंडरफुल जगह है कैंपिंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए। ये जगह हर एक जगह पे आपको यू नो चार्जिंग स्टेशन है, वहां पे कैंप फायर है ऊपर,
जो पिछला एपिसोड मैंने क्लोज किया था वहीं पे क्लोज किया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जियो की सर्विसेज बेस्ट है यार, इंटरनेट इज परफेक्टली फाइन, कुछ बफरिंग नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ चलता है। तो अगर आपके पास जियो सिम है तो आप यहाँ पे आके स्टे करके, अगर वर्क फ्रॉम होम है, सो नथिंग इज बेटर देन दिस। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से हाइक का शुरुआत होता है। ओके, स्ट्रेट फ्रॉम आवर होम स्टे। सुपर सुपर, जंगल इज हियर। ओके, ऐसे पानी निकलता है पहाड़ों से अपने आप, मतलब पहाड़ के बीच में से कहीं से भी। हाँ, ऐसे सोर्स होते हैं और वहाँ को बहुत ऐसा होली मानते हैं। सुपर, वहाँ पे पूजा भी किया जाता है, यहाँ पे भी पूजा करते हैं, क्योंकि यहीं से जमीन में से पानी निकल रहा है कहीं से। देयर इज नो पाइप इन इट, कोई पाइप वाइप का टूटा हुआ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अपने आप वो पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है। वाह, क्या बात है। ये ठंडी का टाइम है इसके लिए पानी कम है, लेकिन फिर भी ये फ्लो है। हाँ, इसमें एक फ्लो है जो बहते हुए जा रहा है। हाँ, मॉनसून टाइम में और ज्यादा पानी है इसे। ये इसे फ्लो होता है। दिस इज टोटली प्योर वाटर। लवली लवली, ऐसा है पहाड़ों से जो पानी आता है, कुछ ऐसा दिखता है। सुपर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात, नेचर इज ऑलवेज वंडरफुल मैन। यहाँ पे मशरूम्स हो गए, सूख गए। अच्छा, मशरूम्स जो वाइल्ड मशरूम्स, लेकिन एडिबल होते हैं वो? वाले तो आई डोंट थिंक, नहीं बिल्कुल नहीं, दीज आर वाइल्ड मशरूम्स। और मशरूम्स का तो अलग अलग बहुत सारी प्रजाति है। हाँ, ऐसे है कि यार कुछ कुछ तो पूरे साइकेडेलिक रहते हैं। हाँ, ये वॉल्स जो है ना, ये पत्थर के जो वॉल्स बनाए, ये जिसका भी जो जमीन होता है ना, वो लोग अपने थोड़ा घेरते हैं जो जमीन। अच्छा, वो ऐसे करके घेर देते हैं कि ये हमारा जगह है। ओके, मार्क कर देते हैं, बाउंड्री कर देते, बाउंड्री हो जाता है। ओके, ऐसे मिला। ओके, सब जगह का ऐसे ही है, जो उसपे भी घर नहीं बना है उसमें जमीन सिर्फ है। ओके, तो किसका है तो वो अपना मार्किंग करके रखे कि इतना दूर रखा मेरा जमीन। सुपर सुपर। डेंस फॉरेस्ट में हाइक करने का मजा ही कुछ और है, पूरा नेचर फील होता है, फ्रेश एयर फील होती है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ। हाँ, कैसे कैसे पत्थर यहाँ कितने खरीद से पड़े हुए, ये पत्थर देखो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हाइक इन यूक्सम। आप ऐसे जंगलों में गुजरते हुए आप पूरा एक सर्किट करके आ जाते हो। परफेक्ट हाइक इफ यू आर इन यूक्सम। या वन डे, अ डे हाइक, परफेक्ट डे हाइक, परफेक्ट हाइक। Super, when super. You get to know about nature, about the history, about the historical events. Yeah. Daylight kitchen, शुरुआत हुआ। Lovely, lovely. कुछ यहाँ पे ट्रैक्स भी है जो 3 nights, 4 nights, 5 nights की बड़ी बड़ी ट्रैक्स है, जो ऑफकोर्स भास्कर हमें बताएगा उनके नाम, क्योंकि मेरा जो सेकेंड डे तो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। yeah. जो केव हाइक्स हो गए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे केव्स है जहाँ पे जाके आप कैंपिंग कर सकते हो फॉर वन नाइट एंड द नेक्स्ट डे यू विल कम बैक। ऐसे नए नए हाइक्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए वाटरफॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं। शुक्र, हम लोगों तक ये पहुँचा सकते।
that's wonderful. That's wonderful. Prominent trek from Lipton, Rochella trek. Yes. Takes you to the nearest of Kanchenjunga from India side. बाकी जो Kanchenjunga का base camp trek होता है वो नेपाल से होता है. Okay. But from India. Yeah. A trekker can go till Rochella. वहाँ पे आपको काफी सारे हिमालयन की ओके Kanchenjunga के रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. That is so nice, lovely. आप देख सकते हो थोड़ी सी धूप है, हर जगह फॉरेस्ट में हल्की हल्की शाइन है पत्तों पे. एंड यू नो ऐसे मोमेंट्स यू नो लाइक इट्स आर दीज आर द रेयर मोमेंट्स ऑफ द लाइफ गाइस यू नो, क्योंकि क्या होता है हम सिटी में रहते हैं हमेशा और सिटी के शोर शराबे में रहते हैं और उतना पीस नहीं मिल पाता हमें लाइफ में. आई प्रिफर कि मोस्टली लोगों ने ऐसे जगहों पे भी आना चाहिए टू स्पेंड अ डे टू डेज इन द जंगल. इट्स रियली बेनिफिशियल. और भास्कर भाई, कल आप एक जो माउंटेन पे वो लीविंग एक मिलता है ना छोटा, जिसमें सुखा के खाते हैं, उसके बारे में बता रहे थे. यहाँ पे उसको यासा गंबू बोलते हैं. यासा गंबू. हाँ. ओके. तो वो एक्चुअली हायर हिमालय साइड में मिलता है. हाँ हाँ. हाफ इंसेक्ट. हाँ. हाफ प्लांट. ओ ऐसा वो एक जीव है. ओके. एंड मोस्टली ये अप्रैल मई के टाइम पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है. Okay. बारिश के टाइम में. Okay. वो बारिश में ही वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ रहता है. ओनली एक्सपर्ट्स कैन सी इट. आपको पूरा एकदम मिट्टी में झुक के एकदम ऐसे जमीन से सट के आंखों को गड़ा के देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसका आपको हेड दिख रहा है. जहाँ पे आपको वो दिखता है तो उसको पकड़ के निकालना पड़ता है. एंड द ट्रिविया अबाउट दैट इंसेक्ट इज उसको सुखाने के बाद अगर आप उसको एक उसका डोज होता है. हाँ. डोज को अगर आप फॉलो करेंगे फॉर लाइक 7 मंथ्स ऐसा कहते हैं, पर डे खाना पड़ता है उसको एक हेड डोज उसका, शायद सुबह शाम एक एक खाना पड़ता है. तो आप अगर उसको 7 मंथ्स के 7 मंथ्स तक उसको कंटिन्यूअसली लेते हैं. हाँ. तो आपका जो ये एजिंग है वो काफी रुक जाता है. आपका साल तो बढ़ता जाएगा बट देन आपका एजिंग जो फेस में या बॉडी इम्यूनिटी जैसे घटते डिक्रीज होते जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो वैसा नहीं रहेगा. इट विल बी स्टेबल्ड. आप दिखोगे भी बहुत यंग, आपका बॉडी भी रहेगा एकदम यंग. आप जो आज अगर आप 22nd ईयर में, जैसे मैं अभी 25 साल का, अगर 22 साल के भी अगर आप, तो मतलब जितना एक्टिविटी आप 22 साल में कर सकते हो आप 50-60 ईयर्स में भी आप कर सकते हो. वैसा वो चीज है उसके बाद. यासा गंबू. एंड ऐसे हिमालयस में और भी बहुत सारी चीजें हैं. जैसे बहुत लोगों को मालूम भी है, आप एक चीज लेके आए थे गैंगटॉक से. क्या है वो? शिलाजीत. ऐसे हिमालयस में बहुत सारे और भी बहुत सारे एक्सट्रीम चीजें हैं जो आज तक अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुआ. ऑफ कोर्स. जो मिलता है ओनली एक्सपर्ट नोज अबाउट इट. लवली सुपर. यस. ये यासा गंबू जो अभी भास्कर भाई ने एक्सप्लेन किया बहुत इंटरेस्टिंग है यार. इसका इमेज मैं यहाँ पे वीडियो पे आपको दिखा रहा हूँ और इसके बारे में कुछ एक आधा ब्लॉग जो होगा लिखा हुआ उसकी लिंक भी शेयर करूँगा. देर आर सो मच थिंग्स अनएक्सप्लोर्ड इंडिया में जो लोग नहीं जानते. कुछ वीडियोस भी बने हैं इस पे, मैंने यूट्यूब पे देखा था यासा गंबू पे कि उसको कैसे वो फार्मर्स यू नो ढूंढ ढूंढ के निकालते. आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए ये सब चीजें
मौजूद है अपने इनक्रेडिबल इंडिया में गाइस। ब्यूटीफुल सी गाय है अपनी गौ माता। कई सारे गायों को मैं मिला था मायापुर में गौशाला में। इसी तरीके से हमारी हाइक और कंटिन्यू हो रही है आगे जंगलों के बीच में से। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इलायची के पेड़ है, ये वाले। आई गेस इलायची का पेड़ मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा है यहाँ पे। बीच में से नीचे से निकलते पत्ते को आई थिंक इलायची का स्मेल आएगा। अभी हाथ में ना संतरा लगा। संतरा नहीं, इतना नहीं आ रहा है। नहीं, पत्ते से नहीं है इलायची का। जैसे ये कार्डमन होता है ना, उसके उसके पत्ते को पूरा कार्डमन का स्मेल आता है। खाएगा पता तो भी कार्डमन जैसे ही लगता है। वो वाले पत्थर पे जा रहे हैं, बड़े वाले, बेटर व्यू देखने के लिए। और एक बेटर व्यू, टाइटैनिक व्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द भास्कर इटसेल्फ इन ईयर 2022, द एक्सप्लोरर ये आ गए हम टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे। ओके, तो अभी हम लोग आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से टाइटैनिक व्यू पॉइंट से। द वे इज रियली नाइस। जो बुद्धा पार्क में मैंने 12 डीड्स पढ़े थे गौतम बुद्धा लाइफ के, सबसे आखिर में जब गौतम बुद्धा को मोक्ष मिला तो उन्होंने एक वर्ड बोला है भिक्षु। हमारे हिंदू धर्म में भी जो पहले के गुरु महात्मा होते थे वो ट्रैवलर्स भी होते थे। करेक्ट। अगर आपको पीस और मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको इधर उधर घूमना होता है, ट्रैवल करना होता है। उसमें हमारे जो गुरु महात्मा होते थे वो भी यहाँ वहाँ जाके भिक्षु मांग के ही अपना सब जीवन चलाते थे कि मेरा कुछ नहीं है। ओके। जिनके पास जो है उनसे हम इस वी आस्क तो वो दे सकते हैं। तो हमें एक तरीके से एक भिक्षु की है कि हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। और आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास गैस है बनाने के लिए होना चाहिए। किसी से अगर मांगते भी हो तो वो आपको देते हैं खाने के लिए। तो भिक्षु जो शब्द है वो हमारे हिंदू में भी बहुत ज्यादा वो लोग भी यूज करते थे। एंड एवरीबडी जो गुरु महात्मा है हमारे भी एनलाइटमेंट ऐसे ही उन्हें प्राप्त हुआ था। ऑफ कोर्स, ये वो इधर उधर घूमते रहते। आपने सुनी होगी बहुत सारी कहानी। एग्जैक्टली, यहाँ वहाँ जाते थे और फिर कोई भी घर वाला जिसका घर होता था उन्हें मना नहीं करता था खाना देने से। अगर वो आते थे बाहर तो बोलते थे भिक्षाम देही। तो वो ऐसा कुछ भीख में नहीं मांगते थे, वो होता ऐसा कि आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हमारे लिविंग के लिए कुछ दे दीजिए। एंड देयर ओनली ये भिक्षु वर्ड आया है। इट्स मोर काइंड ऑफ दैट, मांग मांग के तो जीवन बट देन मोस्ट ये है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक भिक्षु है, आप यहाँ वहाँ एंड आप अपना वहाँ पे मतलब किसी से मांग के जिनका घर है प्रॉपर वो आपको दे के खिला भी सकते हैं। और कभी मना नहीं करते हैं भिक्षु को कभी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये हमारे इतिहास में से सिखाया गया है हमें। यहाँ के लोग भी बहुत मानते हैं इस चीज को। अगर आप नेपालियों के घर में एक बार जाके नॉक करोगे ना तो देल ओपन द डोर। और अगर आपको जो भी चाहिए होगा ना रहने के लिए अगर आप मांगोगे तो वो आपको रहने के लिए दे देंगे जगह। भूख लगा भी होगा ना तो वो आपको खाने के लिए भी दे देंगे, आपको रहना है अगर वहाँ पे। तो ऐसे ये चीज हमारे धर्म में भी आप बुद्धिज्म धर्म में भी सिखाया है। यस यस यस। और इसी वजह से हम अतिथि देवो भवो भी कहते हैं।
लाइक द गेस्ट इज द गॉड. गेस्ट इज द गॉड. या आपके यहाँ कोई आता है आप भी ये चीज याद रखिए. हाँ आजकल के जमाने में थोड़ा सा क्रुएल्टी बढ़ गई है. आपके इंटेंशन सही नहीं होते. एब्सोल्युटली. लेकिन अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपके घर में कोई नॉक करता है खाने के लिए तो आप उन्हें ना नहीं करते. That's a wonderful lesson of life. I hope आप लोग एपिसोड एंजॉय कर रहे हो और यू आर स्टिल देयर वॉचिंग दिस एंड द फॉरेस्ट ट्रेल्स पॉइंट्स ओवर नाउ. वी आर हेडिंग टू द हिस्टोरिकल साइट ऑफ सिक्किम. बेसिकली यहाँ पे घर का पूजा हुआ है जमीन का. ओके ओके. यहाँ पे जमीन का पूजा किया गया है. यहाँ पे कुछ खास करेंगे लोग. वहाँ पे एक वॉटरफॉल भी है. हाँ हाँ देख पा रहे हैं आप लोग. ओके थोड़ा आंखों से दिखता है. वाह ओके लवली. यही यहाँ से हायर हिमालय सब चालू है. सारे हायर हिमालय के पास है. से महाभारत रेंज भी कहते हैं राइट. ये जो हिमालय के आगे है ये महाभारत रेंज है राइट. नहीं आई डोंट नो अबाउट दिस. ओके ये मेरे को नॉलेज नहीं. ओके बट यहाँ पे पांडव आए थे. मणिपुर में ही तो शादी किया था ना अर्जुन ने एक मणिपुरी लड़की से. ओके इसलिए वहाँ पे महाभारत के टाइम में वहाँ का जो ट्रेडिशन है. आप मणिपुर जाओगे तो वहाँ पे जैसे शादी में ड्रेसेस पहनते हैं या वहाँ का जो डांस है उसमें कृष्ण भगवान को बहुत माना जाता है. क्योंकि महाभारत उनसे भी बहुत सारी कनेक्टेड है. त्रिपुरा में भी एक साइट है. नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे ऐसे साइट है क्योंकि पांचों पांडव जब वनवास में थे तो ये सारे जगहों पे गए थे. Someone special. Hello, beta. Kya haal hai? Say hi, guys, to Mr. Wonderful. कितना प्यारा है यार. यहाँ पे ना डॉग्स की फर्स बहुत अच्छी होती है. यू नो असले बहुत प्यारे होते. बहुत प्यारे होते. बहुत प्यारे होते. बहुत प्यारे होते. ओके वी कंटिन्यू. यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है. देखिए राइट. तो अभी फुटबॉल मैच से निकलते हुए नाउ वी आर एंटरिंग द प्लेस द हिस्टोरिकल साइट. ओके दिस इज अ वेरी होली ग्रेट प्लेस. ओके आगे स्टोरी सुनाएंगे आपको. ऑलराइट. यहीं से पूरे सिक्किम की शुरुआत हुई है. दिस इज द प्लेस वेरी होली प्लेस. यही है वो थ्रोन नामग्याल डायनेस्टी का. तो ना यहीं से वो पूरा सिक्किम को चलाया करते थे. अब आप ऊपर देखोगे तो आपको ये त्रिशूल दिखेगा. This stupa
ये स्तूपा वो 3 मंथ्स के याद नहीं बनाया गया है. यहाँ पे ऊपर में एक आंख भी है जैसा आपने नेपाल में देखा है. वो आंख है, दूर से थोड़ा दिखता है. और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि वी शुड टेक अ सर्कल और द ब्लेसिंग राउंड लगा के आना चाहिए. तो इससे आप में ब्लेसिंग्स आती हैं. तो हम लोग वो करते हैं. ऑफ कोर्स, लेट्स गो. पत्थर और उस टाइम पे जो सीमेंट हुआ करता था, मिट्टी जो यहाँ पे सीमेंट यूज करते थे, उससे उससे बनाया हुआ था. Prayer bell. Yeah, we are heading to another place. We have to take our shoes off it. Okay. ये तिब्बत हिस्ट्री और भूटान के हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रैवलर माने जाते हैं. देन वो जो 3 मंक्स थे, उनमें से एक मंक का इनकार्नेशन है. एंड ही इज आल्सो नोन एज द आयरन चेन मेकर, क्योंकि इन्होंने तिब्बत भूटान में काफी सारे सस्पेंशन, आयरन सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए. एंड दैट आल्सो इन द टाइम ऑफ 1300-1400 AD टाइम्स लाइक दैट. एंड सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज. कुछ सस्पेंशन ब्रिजेस आज भी यूज होते हैं भूटान और तिब्बत में. मैन जस्ट इमेजिन 58 सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए, इसीलिए उनके हाथ में भी चेन बनाया है.
इनक्रेडिबल. बहुत सारे इन्होंने ना तिब्बत में और सिक्किम में भी ऐसा स्कूल का फाउंडेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया था, बुद्धिज्म, तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है स्टडीज. स्टडीज के लिए तो ये तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है इनके बहुत सारे स्कूल्स का नींव रखे हैं ये. इनका नाम है थांग टोंग ग्यालपो. ही इज वन ऑफ द योगीज इन बुद्धिज्म. बहुत बड़े योगी भी मानते हैं. एंड ही टेक्स केयर ऑफ युक्सम एज वेल. इसीलिए इनका फेस युक्सम की तरफ. इज प्रोटेक्टिंग इट. तो इस तरफ से ही वो पूरा सिक्किम में से देख रहे हैं इस आई साइड. इसीलिए ऐसा मूर्ति उस फेस में बना है. वाह, एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग. ये देखो, हेलो. और एक हीरो और एक प्यारा हीरो. अरे इनका फर बहुत मस्त होता है. लाइक भाई साहब, सुपर. क्या बात है ब्रो, तुझे तो कुछ जैकेट भी पहनने की जरूरत नहीं, ब्लैंकेट भी लेने की जरूरत नहीं. सुपर कूल. अभी हम लोग यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये एक कल्चरल प्रॉपर्टी पे आए. ओके, एक कल्चरल प्रॉपर्टी पे आए. ओके, और यहाँ पे हमने एक टिकट भी खरीदा 10 रुपीज पर पर्सन. एंड हमने ये मछलियों को खिलाने के लिए मूवी भी ले लिया. वाह, लवली. Katok Lake, the sole lake of Sikkim. यहाँ के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं और इसका एक परिक्रमा करके इसका पानी थोड़ा सा पूजा करके जाते हैं. कोई पैदा होता है या कोई मरता है. मानते हैं कि इस लेक में बहुत बहुत ही पहले जमाने के राजा के टाइम के सोना चांदी ये सब बिका हुआ है. बिकॉज वो 3 मंथ्स जो थे यहाँ पे पूजा थे. There is something about this place. The soul lake bhi kehte hain. And yahan pe golden fishes hain. Dekho kitne log aayenge sab khane ke liye. अभी लेक से हम लोग निकल रहे हैं. देखिए, ऑन द वे आई कैन सी दिस
ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट. वेलकम टू युक्सन, यू आर हियर. गौचाला ट्रैक, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम. व्हाट आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू सी हियर? सिक्किम टूरिज्म, ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस. And we came back to where usually I used to come. यहीं पे मैं मार्केट जब बाहर आ रहा था तो यहीं से मार्केट तक आता था और मार्केट पे ही वापस से ट्रिप एंड होते हुई. यहाँ पे ये पीछे विश बेल्स है, वो सब मैंने घुमाए. Let us know in the comment section कैसा लगा आज का हाइक, जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी हाइक आपने वीडियोस देखी है. Alright, so, alright. कैसा, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. या थैंक यू. सो इसी तरीके से मैं वापस आ गया हूँ वेलकम होम स्टे में, जहाँ पे ये शेयर्ड रूम में मैं रह रहा हूँ, मेरा बेड है पीछे. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड देन सब्सक्राइब इट एंड देन इफ पॉसिबल यू कैन शेयर इट. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.